कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पे पूरा डेरिवेशन हमको करना है इस चैप्टर का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छे से देखिए, समझिए कुलॉम्स लॉ क्या होता है। वैसे है बहुत ईजी, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। इसका बच्चों हमको हर डेरिवेशन में यूजेस करना है। कुलॉम्स लॉ क्या है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 3 वीडियो अपना पब्लिक हो चुका है जिसमें मैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये तीनों जो भी टॉपिक है इसको मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोस आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। कुलॉम्स लॉ होता क्या है, देखिए तो किसी स्पेस पे दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कुलॉम्स लॉ हमको बताता है। फिर से देखिए मैं क्या बोला, अगर किसी भी जगह पर दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला रिपल्सन या एट्रैक्शन, दो फोर्स हो सकता है। क्यों मैं रिपल्सन और एट्रैक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव निगेटिव हैं तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कुलॉम्स लॉ ने बताया था। देखिए मैं नोट्स भी आपको मैं डिटेल में दूंगा, पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कुलॉम्स लॉ होता क्या है। सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई यहाँ पर चार्ज Q1 है और यहाँ पर सपोज करो एक चार्ज हमारे पास Q2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कुछ डिस्टेंस भी हमारे पास होगा। सपोज करो ये डिस्टेंस बच्चों कितना है, R है। यानी किसी भी स्पेस में जगह में दो चार्जेस रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है। ये प्लस है कि माइनस है ये भी हमको लेना देना नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दो चार्जेस हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। देखिए कुलॉम्स लॉ दोनों के लिए है, एट्रैक्शन के लिए भी है रिपल्सन के लिए भी है, इसलिए आपको भी फिलहाल मैग्नीट्यूड को ध्यान नहीं देना है, दो चार्जेस लेना है Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस आर हो। तो कुलॉम्स ने क्या बोला पहले उसको आप अच्छे से समझिए। कुलॉम्स ने बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला एट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला एट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन चीज़ें हैं, पहले उन्होंने बोला कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 के। ओके सही बात है भाई, चलो मान लिया। अब क्या उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है एक फैक्टर के ऊपर और डिपेंड करेगा, वो फैक्टर क्या है, ये जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर देंगे तो वो भी एफ के प्रोपोर्शनल होगा। इसको ऐसे हम लोग रीड करते हैं, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². उन्होंने बोला इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा अब अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करना चाहें बच्चों तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² कर सकते हैं। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन हमेशा हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो चलिए हम लोग एक कांस्टेंट ला देते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू उस कांस्टेंट को चलिए यहाँ पर हम लोग के ही मान लेते हैं, तो के इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r². यहाँ पर ये जो के है, के को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं, वेयर अभी मैं डिटेल में भी आपको लिख के नोट दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको आप समझिए होता क्या है। वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आया बात, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुलॉम्स लॉ है क्या। तो देखिए ध्यान से फिर से एक बार मैं बताता हूँ, कुलॉम्स ने क्या बोला कि दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला इन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ हमने लिख दिया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². अब प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट के लाएंगे और इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए
इस कांस्टेंट के का वैल्यू भी होता है, उसको भी मैं भी बता रहा हूँ। के की जगह यहाँ पर क्या रखते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 pi epsilon naught। एक्सपेरिमेंटली इसको लाया गया कि के का वैल्यू क्या रखना चाहिए, तो के का वैल्यू उन्होंने बताया कि 1/4 pi epsilon naught, वेयर एप्साइलन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी उन्होंने ये माना कि अभी फिलहाल इन दोनों जो चार्जेस हमने लिया है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच ये जो स्पेस है वो फ्री है, यानी वैक्यूम है, खाली है। तो उस समय क्या रहेगा, हम लोग जो फार्मूले में के का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 pi epsilon naught। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पर एप्साइलन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो जो मीडियम रहेगा उसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, परमिटिविटी उस मीडियम का क्या रहेगा वो रखेंगे, यानी 4 pi epsilon भी रख सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं इसके बीच कोई मीडियम क्या है, अगर एप्साइलन है उसका मीडियम का वैल्यू, तो हम लोग वहाँ पर एप्साइलन नॉट न रख करके एप्साइलन रखेंगे। एप्साइलन नॉट का मतलब होता है कि Q1 और Q2 के बीच ये जो स्पेस है वो खाली है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये के का वैल्यू अगर यहाँ पर रख लें तो हमको फार्मूला फाइनली क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो एफ इज इक्वल्स टू के का वैल्यू रख लेंगे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला रिपल्सिव या एट्रैक्टिव जो फोर्स होता है वो एफ इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। अब चलिए इसको मैं डिटेल में लिख करके आपको नोट के फॉर्म में भी दे दूं ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर पाओ। ये तो सिर्फ आपको समझना है, नोट कहीं और से करना है, मैं आपको दे दे रहा हूं। तो चलिए वो नोट आपके सामने है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट इज, भाई दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला एट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। यानी दोनों जो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच जो लगने, दोनों चार्जेस का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी इन दोनों पॉइंट को जो आप ज्वाइन करोगे ना तो इनका जो फोर्स होगा इन दोनों पॉइंट के जो बीच का लाइन है उसके अलोंग होगा, ठीक ना, इसका मतलब ये है। आगे देखिए जल्दी से समझ लीजिए, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, अभी मैं डायग्राम के बारे में लिखा हूं, देन द फोर्स F ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम इज सच दैट, इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस प्रकार होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r square। फिर फर्दर इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट हम लोगों ने लाया तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वही सारी चीजें जो मैं आपको भी समझाया हूँ, ठीक ना, थोड़ा मैं इसको डिटेल में लिख दिया हूँ ताकि आपको नोट्स पे ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट चूज़न टू मेजर एफ Q1 Q2 एंड आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो के का वैल्यू होगा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बोला ना अभी हम लोग क्या के का वैल्यू क्या रखे थे, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग मान रहे थे कि Q1 और Q2 के बीच का जो स्पेस क्या वो फ्री स्पेस है। अब ये अलग अलग वैल्यू हो सकता है, भाई क्यू का जो है Q1 Q2 का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, कूलॉम के अलावा अगर आप इसका दूसरा बेसिक यूनिट रखोगे तो इसका वैल्यू चेंज होगा ना, तो यही बातों को मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए फॉर टू चार्जेस लोकेटेड इन फ्री स्पेस एन एस आई यूनिट में अगर हम लोग इसको वैल्यू निकालना चाहें एफ का, तो वही मैं आपको बताया के का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught रखेंगे, और अगर ये सारे वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करें एप्साइलन नॉट का, पाई का, फोर का, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आता है। एप्साइलन नॉट का वैल्यू आप रखोगे, पाई का वैल्यू रखोगे और पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प आएगा करेगा, इसलिए आप इसको लर्न करके रखोगे, ठीक है। जहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं लिखा हूँ वही चीज़ जो मैं आपको भी समझाया, वेयर एप्साइलन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सो वी कैन एक्सप्रेस कूलॉम्स लॉ एज, फिर अगर ये वाला वैल्यू हम लोग फार्मूले में रखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो एक कूलॉम को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं लिख दिया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझिए ध्यान से। अगर हम लोग बोलें कि Q1 और Q2 यानी ये दोनों चार्जेस है उनका वैल्यू 1 कूलॉम है,
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग Q1, Q2 और R तीनों का वैल्यू 1 रखेंगे तो उस समय क्या होगा, F का वैल्यू 1/4πε0 के बराबर हो जाएगा, और 1/4πε0 का वैल्यू 9×10⁻¹ होता है। यही होता है ना, देखिए यहाँ पर वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 1/4πε0 का वैल्यू ये होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, F जो होगा 9×10⁻¹ के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं राइट कर दिया हूँ, सो 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल एंड इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस विद अ फोर्स ऑफ 9×10⁻¹ न्यूटन वेयर प्लेस इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑन 1 मीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब समझ लीजिए हिंदी में क्या होगा कि 1 कूलम्ब हम लोग बोलेंगे कि जो चार्ज है उसका वैल्यू 1 कूलम्ब है वो उस अमाउंट के बराबर होगा अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब हो और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, आर हो, तो उस समय जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो 9×10⁻¹ न्यूटन के बराबर होगा। तो इस तरीके से 1 कूलम्ब को भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए बहुत सिंपल वर्ड में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अदर भी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो देखेंगे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।